है न्यूज 7 डेज में। अब आज महाराष्ट्र की आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मैं महाराष्ट्र के तमाम पुलिस अफसरों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं भी मस्जिद में अजान को मत रोकिए। जहां जहां मस्जिदों में जिस तरह से इस बीमारी आने के पहले सालों से एक लंबे अरसे से जिस तरह से अजानें हो रही थी, उसी तरह से अजान होने का महाराष्ट्र सरकार का पूरा आदेश है। और ये आदेश महाराष्ट्र में मैक्सिमम जगहों पर मैक्सिमम मस्जिदों में अजान पहले की तरह से हो रही है। ये बिल्कुल सही है कि मस्जिद में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। जो मस्जिद में रहने वाले दो तीन चार लोग हैं, वही दो पांच लोग मस्जिद के स्टाफ के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मैं कई जगह से मुझे ये मैसेज आ रहा है बार बार कि यहाँ के पुलिस अफसर ने आकर कह दिया कि क्या आप 100 साल पहले ऐसी अजान देते थे, बिल्कुल आपको लाउडस्पीकर अजान देने नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें मेहरबानी करके कम से कम महाराष्ट्र में कोई पुलिस अफसर या कोई भी व्यक्ति न करे, ये मेरा निवेदन है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब श्री अनिल देशमुख साहब ने ट्वीट किया है, आपके पास मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अजय मेहता जी ने खुले लफ्जों में कहा है कि मैंने डीजी से कहा है कि सारे जगहों पर अजान में कहीं रोक न लगे। हाँ, मस्जिद में कहीं भी मस्जिद के बाहर भीड़ न लगे, लोग आए नहीं। मैं मस्जिदों के तमाम ट्रस्टियों से, तमाम जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मस्जिद को लॉक रखिए। मस्जिद के अंदर बाहर से किसी को नमाज पढ़ने के लिए उस वक्त तक मत आने दीजिए जब तक कि कोरोना बीमारी कम ना हो जाए, ख़त्म हो जाए और सरकार का कोई नया आदेश ना आ जाए। मेहरबानी करके इस बीमारी को दूर रखने के लिए सभी लोग इस बात का पालन करें कि सब लोग, चाहे तरावी की नमाज हो, जुमा की नमाज हो या और कोई नमाज हो, हर नमाज अपने घर में पढ़िए, कोई बाहर मत निकलिए। जज्बात से इस वक्त काम मत लीजिए। इस वक्त ये ज़रूरी है कि इस बीमारी के लिए लोगों को लॉकडाउन का पूरा पालन करना है। मैं आपका भाई, आपका खादिम अबू आसिम आजमी MLA आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तमाम पुलिस अफसरान, तमाम ट्रस्टियान, तमाम मस्जिद के जिम्मेदार इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे।